आफरीन परी ने हुकूमत को ऐसा क्या कहा कि सब सोचने पर मजबूर हो गए, जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसके लिए मैं क्रेडिट देती हूँ सखे सरवर भट्ट साहब को और कैसर सनाउला को, नसीम विकी साहब को और मलिक तारिक साहब को, अरशद चौधरी साहब को, जिन्होंने इतने सारे लोगों को जो इकट्ठा किया। और आप ये समझ लें कि आज की जो कॉन्फ्रेंस थी इस पर इम्प्लीमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जिन सफ़ेदपोश लोगों का जिक्र करते हैं तो ये आर्टिस्ट ही वो सफ़ेदपोश लोग हैं। देखें, टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री और थिएटर इंडस्ट्री में बहुत फ़र्क है। यहाँ पर ये जो अर्न किया जाता है उसके साथ वो वहीं पर इन्वेस्ट भी हो जाता है। तो आप जो मज़दूर तबके के इतने हक में थे, आप वज़ीर आला साहब, आपने ये सोचा कि मज़दूर तबके को मैं इतने सख्त लॉकडाउन में भी बंद नहीं कर सकता क्योंकि गुजारा नहीं होगा, ये लोग लॉकडाउन से नहीं मरेंगे तो भूख से मर जाएंगे। तो आप यकीन जानिए कि हम भी वही मज़दूर लोग हैं, तो आपको हमारे बारे में भी सोचना। ये जो एक चांस आपने उनको दिया कि मैं इस लॉकडाउन को इसलिए खोल रहा हूँ कि अगर कोरोना बढ़ा तो मैं इसको फिर लॉकडाउन में लाऊंगा, तो इस तरह ये चांस के हकदार हम भी हैं। आप एक दफ़ा हमें भी चांस देके देखें, अगर ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो आप लॉकडाउन कर दीजिएगा, क्योंकि आप हुकामे आला हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। लॉकडाउन में जी फिलहाल तो इबादत में गुजर रहे हैं दिन, और जो है लॉकडाउन पर बिल्कुल हम लोग सख्ती से अमल कर रहे हैं, और हमारे जितने रिश्तेदार हैं, मिलने वाले हैं, अजीज़ो अकारब हैं, फैंस हैं और जो लोग हैं उनको ताकीद भी करते हैं। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि थिएटर जो है वो हमेशा इस्लाह रहा है हर चीज़ की। आपने हमेशा लेसन दिया है, आप कमर्शियल्स मेक करते हैं पब्लिक को लेसन देने के लिए कि इस तरह करना है, इस तरह करना है, तो ये सबक आमोज ड्रामे तो हम भी पेश कर सकते हैं।